Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल Let's Find Jobs में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हिंदी लिटरेचर का पेपर सेकेंड। दोस्तों हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुका है। दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपके इसमें सबसे पहले विकल्प आते हैं। तो दोस्तों विकल्प में आपके सबसे पहला क्वेश्चन है कि बघेली की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका मागधी से, मतलब बी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों विकल्प के दूसरे क्वेश्चन पर। तो विकल्प का दूसरा है दोस्तों आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 343, मतलब डी नंबर का इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों विकल्प के तीसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका विकल्प का तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिव रैल्यू एनवाई हिंदुस्तानी के लेखक का नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कारसा दत्तासी, मतलब डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कारसा दत्तासी। बढ़ते हैं दोस्तों विकल्प के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विकल्प का आपका चौथा क्वेश्चन है, इति व्यत्यात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका द्विवेदी युग की, मतलब सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो विकल्प का आपका पांचवा है दोस्तों, कनक कनक के सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बोराए जग या पाए बोराए, तो किस अलंकार का उदाहरण दोस्तों आपको पता होगा, ये दोस्तों आपका यमक अलंकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमक। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। तो ये है दोस्तों आपके प्रश्न। तो आपका इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि अपभ्रंश की विशेषताएं लिखिए या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो दोस्तों मैंने अथवा वाला किया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, तो मैं आपको दिखाता हूँ दो आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपका आंसर प्रश्न क्रमांक दो का। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, ये है आपका दोस्तों, आपको इसी प्रकार लिखना है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। ये आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आपके पाँच पॉइंट दिए गए हैं। तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो को HD क्वालिटी 720p HD क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक तीन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक परंपरा में पांच लेखकों के नाम लिखिए या इसका अथवा वाला है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो मैंने दोस्तों अथवा वाला किया है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, तो मैं दोस्तों आपको इसका आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक तीन का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, ये है आपका प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट लिख लीजिए। आपका पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर इसका क्या है दोस्तों, आपका इसका आंसर समाजवादी यथार्थवाद प्रकृति के प्रति लगाव। तीसरा पॉइंट है नारी प्रेम। चौथा है दोस्तों राष्ट्रीयता। फिर आपका पांचवा पॉइंट है सांप्रदायिकता का विरोध। छठवां है बोधगम्य भाषा। सातवां है दोस्तों मुक्त छंदों का प्रयोग। आठवां है मुक्त काव्यों के रूप में प्रयोग। तो ये है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक चार। तो आपका प्रश्न क्रमांक चार है कि आपको दोहा छंद की परिभाषा लिखिए एवं दोहा उदाहरण रूप में लिखिए। दोहा आपका परिभाषा लिखना है और दोहा का उदाहरण लिखना है, अथवा हमें दोस्तों रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो दोस्तों इसमें मैंने दोहा छंद वाला किया है, तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक चार का आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका दोहा छंद की पूरी परिभाषा और फिर ये इसका उदाहरण दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए।
दोस्तों आप वीडियो को 720p HD क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि उत्तरीय प्रश्न आपके चालू होते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों आपको उसमें से 5 दिए गए हैं टॉपिक, इनमें से आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको प्रश्न क्रमांक 5 में के अंतर्गत। दोस्तों आप इन 5 क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 2 करने हैं। तो मैं आपको बता देना मैंने कौन कौन से किए। तो दोस्तों मैंने तीसरा वाला किया है और फिर मैंने पांचवा वाला किया है। तो मैं दोस्तों आपको इनकी आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इन 5 में से दोस्तों आपको ओनली 2 करने थे। तो मैंने तीसरे नंबर वाला किया है भक्ति काल की विशेषता, फिर पाँचवें नंबर वाला किया है रस की परिभाषा एवं उसके अंग को लिखिए, वीर रस और करुण रस को साधारण लिखिए। तो मैंने ये 2 किए हैं, तो मैं इसके आपको आंसर दिखाता हूं, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 में के अंतर्गत तीसरे प्रश्न का आंसर है। दोस्तों आपको भक्ति काल की विशेषताएं बताना है, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। ये दोस्तों तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा, ये है। इसके आगे दोस्तों आपको आगे लिखना है, ये है दोस्तों ये जो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, इसके आपके अंतर्गत आपको 2 प्रश्न करने हैं और दोनों दोस्तों 8-8 नंबर के हैं, मतलब 16 नंबर का आपका प्रश्न क्रमांक 5 है। इसलिए दोस्तों आप इसे कम से कम 2-3 पेज का लिखें, क्योंकि दोस्तों ये आपका एक प्रश्न ओनली 8 नंबर का है। तो दोस्तों आपको 2 लिखने हैं, मतलब 8-8 × 16 आपका नंबर का, इसलिए आप दोस्तों बड़ा लिखें। दोनों प्रश्नों को आपको बड़ा लिखना है, इसलिए मैं आपको बड़े आंसर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सोचने लगते हैं दोस्तों कि मैं आपको इतने बड़े आंसर देने लगता हूँ बाद में। तो दोस्तों आपके जैसे कि नंबर रहते हैं उसी प्रकार से देता हूँ। तो ये इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है इसकी विशेषता है, ये आपने पहली दूसरी नोट कर ली है होंगी, ये आपकी तीसरी है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चौथी पॉइंट है दोस्तों आपका समन्वय की भावना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आपकी भक्ति काल की विशेषताएँ आपको बतानी है, इसका आंसर है ये। इसके आगे ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। 5 पॉइंट हो गए दोस्तों आपके इसमें। इसके आगे ये है दोस्तों, आपको इसको आंसर बड़ा लिखना है, क्योंकि दोस्तों आपको 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप दोस्तों छोटे लिखने में ना रहें, जो आपके छोटे हैं वो आपको पहले ही हो चुके हैं दोस्तों। आपको ओनली अब 3-4 प्रश्न लिखने हैं बड़े बड़े, क्योंकि अब 8 नंबर के हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है, तो आप इसका भी नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, 8वां पॉइंट है गुरु की महत्ता, ये तो आप इसे नोट करते चलिए दोस्तों। फिर 9वां पॉइंट सामाजिक विषमता का खंडन, इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे ये है दोस्तों आपका, इसे आप फास्ट नोट कर लीजिए, ये है आपका 9वां पॉइंट। इसके बाद आपका 10वां पॉइंट भाषा, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर आपका 11 पॉइंट है छंद, फिर अलंकार संगीतात्मकता है, इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों आपका एक प्रश्न 8 नंबर का है दोस्तों। आपका प्रश्न क्रमांक 5 में आपके 2 प्रश्न दिए हैं 8-8 नंबर के दोनों, इसलिए आपको बड़ा लिखना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके आगे आपको ये लिखना है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है निष्कर्ष, इसका लास्ट में बता देना है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ निष्कर्ष, फुल आंसर इसका ये है आपका। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो दोस्तों आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 में का तीसरे वाले प्रश्न का मैंने आंसर बताया था, अब दोस्तों मैं आपको 5वें वाले प्रश्न का आंसर बताता हूँ। तो ये है दोस्तों 5वें का आंसर, 5वें प्रश्न के अंतर्गत 5वें प्रश्न का आंसर है ये दोस्तों। तो आपको उस समय रस की परिभाषा बतानी है, तो ये है इसका रस की परिभाषा, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। आपको पहले इसे लिखना है पूरा, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो YouTube में सिस्टम होता है क्वालिटी बढ़ाने का, आप उससे क्वालिटी बढ़ाकर देखें, जिससे दोस्तों आपको कोई भी धुंधलापन नहीं दिखेगा। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, अब आपको दोस्तों रस की परिभाषा के साथ रस के अंग बताने हैं। अब दोस्तों ये आपका 8 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है, इसलिए आपको अब जो अंग बताए हैं अपन, इसके रस के अंग होते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, तो आपको विस्तार से बताना पड़ेगा दोस्तों। ये इसका पूरा विस्तार, पहले आपने रस का विभाव डाला, इसका आंसर आपको ये है,
आपको इसके विस्तार से लिखना है दोस्तों, फिर आपको आलंबन उद्दीपन इसी के अंदर है, आप लिखते चलिए दोस्तों क्रम से, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये दोस्तों इसके बाद आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको संगे लिखना है, दोस्तों आपको संगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको संगे ये लिखना है, तीसरा पॉइंट डालकर, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर आप उसी के आगे आपको बी रस का परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है, इसी प्रश्न में है दोस्तों, तो उसके आगे ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये बी रस की परिभाषा है, फिर उदाहरण सहित है। फिर दोस्तों आपको करीना रस की भी परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है, तो ये इसका आंसर। इसके बाद होने के बाद दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको दो प्रश्न बताने थे प्रश्न क्रमांक 5 में के अंतर्गत, तो मैंने आपको दोनों के प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं, तो आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपको किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है आपको, तो ये आपकी टिप्पणी लिखनी 3-3 नंबर की है, एक तो दोस्तों आपकी 4 नंबर की है और 2 आपकी 3-3 नंबर की, इस प्रकार 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने कौन सी 3 टिप्पणी की है। पहले मैंने अमीर खुसरो की है, नंबर पर मैंने की है भारतेंदु योग को, फिर छठवीं की है सोरठा, तो मैंने ये 3 की हैं, अमीर खुसरो की है, भारतेंदु योग की है, सोरठा की है, तो मैं इनके आपको आंसर दिखाता हूँ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों टिप्पणी पहले मैंने अमीर खुसरो की लिखी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और आप यह ऐसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके नाम से लिख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको भारतेंदु योग की टिप्पणी देनी है, तो यह है भारतेंदु योग की टिप्पणी। मैंने पहले दोस्तों अमीर खुसरो की थी, फिर भारतेंदु योग की टिप्पणी की है, ये अब दूसरी टिप्पणी है अपनी भारतेंदु योग की, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आपको बेहतरीन पहले हेडिंग डाल लेना है भारतेंदु योग, फिर आपको ये लिखना है दोस्तों, आप इसे फास्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए। फिर आपको दोस्तों तीसरी टिप्पणी मैंने की है सोरठा की, तो ये इसका आंसर, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें सोरठा की परिभाषा और पूरा उदाहरण सहित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर 2nd कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हिंदी लिटरेचर का 1st पेपर की सॉल्यूशन अपने चैनल पर डल चुका है दोस्तों, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सॉल्यूशन की वीडियो आने वाली है, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों के ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं दोस्तों, और मटेरियल के लिए दोस्तों आप अपने टेलीग्राम चैनल लेट्स फाइंड जॉब के नाम से है जो, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।